हाँ जी, वे वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट क्लास. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद न्यूमेरिकल्स रिलेटेड समवॉट टू दैट थिंग ओनली. चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट न्यूमेरिकल. क्या है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल? इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है जी, एक हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है. अगर वैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही कंसीडर करके चलें, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है कहीं से भी हायर एनर्जी लेवल से, दैट मींस लेमैन सीरीज की बात हो रही है. फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. चलिए आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है. देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सी अपॉन लेंथ. सी तो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फिक्स्ड, लेकिन आपके पास लेंथ है, दैट मींस वेवलेंथ की वैल्यू नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज वेवलेंथ. चलिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा फॉर द हाइड्रोजन एटम. वन अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन, हाँ जी, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर. ठीक है जी, एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, दैट इज इवन द सेम थिंग. चलिए देखिए आपको लेमडा वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. आर एच की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 10977 आई थिंक 9678 10968 सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स में बात हो रही है. जेड हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर इज 1. इनिशियल, इनिशियल मतलब एन, आप क्या ये कह देखिए थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो दैट मीन दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल. हाँ जी, वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर. चलिए जी ये सारी चीज किसमें आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हमने आर एच की वैल्यू किसमें ली है, सेंटीमीटर इनवर्स में. देखिए क्या था क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन लैम्डा. वेलोसिटी ऑफ लाइट तो है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन में लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू नहीं है. हाइड्रोजन एटम के लिए हम वेवलेंथ कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज रिडबर्ग्स फॉर्मूला या बामल्स फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको. चलिए जी देखिए आर एच की वैल्यू हमने सेंटीमीटर्स में ले ली, सेंटीमीटर इनवर्स. जेड क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर इज 1, इनिशियल दैट इज 1 एंड फाइनल दैट इज 3. चलिए जी आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 10968 9 - 1 / 9. सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.0257 × 10⁻⁷ मीटर. मीटर्स में चेंज कर लिया है सेंटीमीटर से, ठीक है, दैट सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000. अगर आपको ऐसा नहीं करना आप डायरेक्टली पहले सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट कर लीजिए, मीटर में निकालने के लिए डिवाइड बाय 100, आई सेड 1000 सॉरी, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100. चलिए जी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लैम्डा, सी इज 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा हो गया आपका 1.0257 × 10⁻⁷ मीटर. जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है सी अपॉन लैम्डा. क्वेश्चन में आपके पास लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं थी. हाइड्रोजन एटम के लिए आपका लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, बाल्मर्स फॉर्मूला से निकालेंगे. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ आप यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस. ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज इज, बाल्मर सीरीज में
किसकी बात हो रही है? बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। देखिए, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, चाहे वो इन्फिनिटी से करे, चाहे एट्थ ऑर्बिट से करे, चाहे फिफ्थ से करे, चाहे सिक्स से करे, किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, फॉल कर रहा है, दैट मीन्स दैट लाई अंडर बाल्मर सीरीज। तो देखिए, बाल्मर सीरीज में जो एन वन की वैल्यू होगी, इनिशियल्स की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? टू। ठीक है जी, एन वन की वैल्यू क्या होगी? टू। अब देखिए, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन। आपको सेकेंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। देखिए, ये चीज हमने ड्रॉ की थी किसी भी उससे, अगर ये n इक्वल्स टू टू है, किसी भी ऑर्बिट से रिलेटेड भी, ये एट, ये सेवन, ये सिक्स, ये फाइव, ये फोर, ये थ्री, ठीक है जी, ये टू, और ये आपका है वन। किसी भी ऑर्बिट से ये आप अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, दैट इज व्हाट? बाल्मर सीरीज। लेकिन दिस इज द बाल्मर सीरीज, ठीक है जी। अब देखिए, हम क्या कंसीडर करेंगे? अगर हमें वेवलेंथ फर्स्ट लाइन की निकालनी है, फर्स्ट लाइन का मतलब है ये, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये है यहाँ पे, और अप टू इंफिनिटी जहां तक भी जा रही है। फर्स्ट लाइन का मतलब है एन फाइनल्स की वैल्यू क्या है? थ्री। और एन इनिशियल्स की वैल्यू क्या है? टू। एन वन की वैल्यू क्या है? टू। और एन टू की वैल्यू क्या है? थ्री। आपसे उसने क्वेश्चन में क्या बोला? आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट लाइन की बाल्मर सीरीज में। बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगा? पहला फॉल क्या है? थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। तो दैट मीन्स एन इनिशियल्स क्या हो गया? एन आई इज टू एंड एन फाइनल्स इज थ्री, जिसको आप इवन पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन वन इज टू एंड एन टू इज थ्री। यू कैन राइट एज सच यू फाइंड कन्वीनियंट। चलिए जी, देखते हैं फर्दर। हमें फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ गिवन है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? देखिए, सेकेंड लाइन का, फर्स्ट लाइन का मतलब था, दिस इज फॉर फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब था इनिशियल तो हो गया टू और फाइनल हो गया थ्री। थ्री के बाद कौन से जंप करेगा? फोर से। तो सेकेंड लाइन का मतलब है, सेकेंड लाइन मीन्स इनिशियल तो वही रहेगा टू और फाइनल्स क्या हो जाएगा? फोर। दैट मीन्स एन वन की वैल्यू टू और एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर। इसके लिए लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। चलिए जी, देखते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है जी, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, दैट इज वन अपॉन 656। आर एच की वैल्यू पुट नहीं करते, हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। जेड की वैल्यू, ये जो स्पेक्ट्रम है, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, जो भी है जी, किन के लिए था ये? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ऑटोमेटिकली जेड की वैल्यू क्या रहेगी? वन। फर्स्ट लाइन के लिए एन वन इज वन एंड एन टू इज थ्री। तो दैट मीन्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस यू विल गेट टू आर एच नाइन माइनस वन अपॉन दैट इज नाइन। ठीक है जी, सॉरी, एन वन इज टू, एन वन की वैल्यू आपकी है टू, सो दिस इज नाइन माइनस फोर, वन अपॉन 656 इज इक्वल्स टू फाइव बाय नाइन इंटू, ये भी नाइन नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा फोर, और ये हो गया आपका 36। चलिए ठीक है जी, दोबारा देखिए, बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन का मतलब है एन वन की वैल्यू होगी टू और एन टू की वैल्यू होगी थ्री। सेकेंड लाइन का मतलब है एन वन की वैल्यू तो वही रहेगी
की बाल्मर सीरीज में सेकंड पे ही आके फॉल करेगा। एन टू थर्ड के बाद किससे फॉल करेगा? फोर्थ से, तो एन टू की वैल्यू होगी फोर। फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा गिवन है, आपको सेकंड लाइन के लिए निकालना है। ठीक है जी, एन आर एच की वैल्यू हमने यहाँ पुट नहीं की अभी, एन वन की वैल्यू टू, एन टू की वैल्यू थ्री, इसको कैलकुलेट किया, ये आपकी आ गई ये रिलेशन, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, सेकेंड लाइन के लिए वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड की वैल्यू वन। हाँ जी, इसमें एन वन की वैल्यू क्या है? टू, और एन टू की वैल्यू क्या है? फोर। सो दैट मीन्स यहां से आपका जो वन अपॉन लैम्डा है दैट इज इक्वल्स टू 3/16 आर एच। आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 3/16 आर एच। तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। अब देखिए, अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आर एच की वैल्यू पुट कर लेते वहां पे सारा रिलेशंस, इसकी जरूरत, इसकी नीड भी नहीं थी। फिर आप सिर्फ ये कर सकते थे कि आर एच की वैल्यू पुट करके यहाँ से लैम्डा निकाल लो, कैलकुलेशन बढ़ जाती। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने ये इक्वेशंस बनाई है। नाउ डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू। आपको क्या करना है, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 1/656 इंटू लैम्डा अपॉन वन इज इक्वल्स टू 5/36 आर एच इंटू 16/3 आर एच। आर एच से आर एच कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा अपॉन 656 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 16 अपॉन 36 इंटू 3। ठीक है जी, आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, अभी तक जो हमने किया, आपको फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज में वेवलेंथ दे रखी है। बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब है कि जो फाइनल है एन टू की वैल्यू होगी 3 और एन वन की वैल्यू होगी 2। सेकेंड लाइन का मतलब है जिसके लिए आपको वेवलेंथ निकालनी है, एन वन तो वही होगा, इनिशियल वही है, फाइनल क्या हो जाएगा 4। तो आपने क्या किया, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और एक रिलेशंस बना दिए। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, यहां से आपको क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू दैट इज 485.9 नैनोमीटर। दिस इज फॉर सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के लिए हमें कैलकुलेट करना था। एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब है इनफिनिटी। लिमिटिंग लाइन का मतलब है जो फाइनल्स हैं एन टू की वैल्यू क्या होगी, एन फाइनल की वैल्यू क्या होगी, इनफिनिटी। सो दैट मीन्स अगर हम लिमिटिंग लाइन के लिए कैलकुलेट करें, एन वन तो क्या रहेगा, इट विल रिमेन वन, एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनिटी। लिमिटिंग लाइन का मतलब है कि फाइनल इज इनफिनिटी। तो दैट मीन्स वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। चलिए, वन अपॉन लैम्डा आर एच को ऐसे रहने दिया, जेड की वैल्यू वन, एन वन की वैल्यू सॉरी टू, बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, एन वन की वैल्यू टू और एन टू इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो एनथिंग कोई भी वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। सो दिस वुड बिकम इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच बाय फोर। क्या आ जाएगा, आर एच बाय फोर। दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन, ये आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 1/656 इंटू लैम्डा अपॉन वन 5/36 आर एच इंटू 4/RH। यहां से कैलकुलेट करेंगे, आपको लिमिटिंग लाइन के लिए जो वेवलेंथ है वो मिल जाएगी। कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप आर एच की वैल्यू डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं वो भी कर दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आर एच की वैल्यू जो हमने आपको करवाई हुई है दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। यहाँ पे आप या तो सबको मीटर्स में लेके आइए नैनोमीटर से या सेंटीमीटर में, या फिर आर एच की वैल्यू को किस में लेके जाइए, नैनोमीटर में। तो इट्स बेटर कि आर एच की वैल्यू पुट करने से बेटर है कैलकुलेशन को ईजी करते हुए इक्वेशंस को डिवाइड करके यू मे फाइंड आउट द आंसर। सो दीज वर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक,
ठीक है, एक नए पार्ट में एंटर करेंगे, दैट वुड बी द क्वांटम मैकेनिक्स एंड उससे पहले जरूर लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच.